नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। भारत एक क्रिकेट प्रेमी देश है। जी हां, तमाम लोग यहां पर क्रिकेट को पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी सैकड़ा चढ़ा है और अपने इस सैकड़े में नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने क्या जनता का दिल जीता है। कौन रहा है मोदी सरकार में मैन ऑफ द मैच, कौन रहा है मैन ऑफ द सीरीज और किसने जीता है जनता का दिल, इस तमाम बातों को हम आपके सामने खुलासा करेंगे और समझाएंगे आखिर इस पूरे क्रिकेट मैच में किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम योजनाओं के साथ साथ नरेंद्र मोदी की सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने किस तरीके से जनता का दिल जीता है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। सुलेमान मोहम्मद खान, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। दिनेश सिंह बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मनोहर मनोज साहब, वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ मौजूद हैं। मनोहर मनोज जी, शुरुआत सबसे पहले आप ही से करना चाहूंगा। एज ए एनालिस्ट, अगर आप यहां नंबर देना चाहें, अगर एक क्रिकेट के तौर पर आप इसको एनालाइज करें, तो आप किसे मैन ऑफ द मैच देते हैं? मैन ऑफ द मैच संसदीय लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री होता है वो तो अपने आप में स्वतः सिद्ध तरीके से मैन ऑफ द मैच होता है। अगर किसी और का भी काम हो तो श्रेय तो प्रधानमंत्री को ही जाता है, क्योंकि उसी के नियंत्रण में कैबिनेट काम करती है वगैरह वगैरह। बाकी अगर आप नंबर के आधार पर अगर करेंगे तो ठीक है कि मोटे तौर पे सरकार का जो 100 दिनों का प्रदर्शन है वो एक तरह से अपेक्षित ही है और वो अनपेक्षित नहीं है, और जो स्क्रिप्ट चुनाव के पहले लिखा गया था एक तरह से वही स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है, तीन चार अगर मुद्दों को हटा दें। लेकिन अगर आप बिंदुवार और सिलसिलेवार तरीके से अगर चीजों को लाएंगे तो शुरुआत का जो आरंभिक जो 100 दिन होता है वो सरकार की दिशा और दशा का प्रचायक होता है, किसी ठोस उपलब्धि का द्योतक नहीं होता है कि सरकार की नीयत क्या है, नीति क्या है, ट्रैक क्या है, इंटेंशन क्या है, और कुल मिला जुला करके सरकार की प्रवृत्ति किस तरफ की जाती है, फंडामेंटल रिफॉर्म की तरफ है या पब्लिसिटी ओरिएंटेड है या सिर्फ जो है अपने शक्ति संतुलन को साधने की कवायद है। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, और अगर आपका सवाल होगा तो उस हिसाब से हम जवाब देना चाहेंगे। लेकिन जाहिर है जनता के जहन में भी है, और कहीं ना कहीं जो टारगेट नरेंद्र मोदी सरकार ने अचीव किया है, क्या उसमें पूरी तरीके से सफल मोदी सरकार रही है? क्या तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए तो उसमें से कौन कौन मैन ऑफ द मैच रहा है, किसने सैकड़ा जड़ा है, किसने चौके छक्के जड़े हैं, इन तमाम चीजों को हम आपके सामने रखेंगे। दिनेश सिंह जी, सरकार अगर एक मोटे तौर पर आकलन किया जाए उन तमाम चीजों में या इस पूरे क्रिकेट मैच में जिसका हमने 100 दिन का नाम दिया है, जिसमें हमने कहा है कि मोदी सरकार ने अपना सैकड़ा जड़ा है, क्या इसमें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ किसी खास को आप चिन्हित करना चाहेंगे कि हां उनकी तरफ से एक बेहतरीन पारी खेली गई है अपने इन तमाम दिनों के बीच में? नहीं सुमित जी, देखिए सवाल ही इस तरह का नहीं है कि ये मैच जो है 100 दिन का मैच नहीं है, या आप कहिए कि मैच 2020 का खेल लिया जाए जी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज सरकार को बने हुए 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जैसे एक चावल को देखकर आप पूरे कुकर के चावल का अनुमान कर लेते हैं कि चावल पक गया है नहीं, तो सरकार किस दिशा में जा रही है और परफॉर्मेंस कितना है, क्योंकि ये सरकार एक टीम के रूप में काम कर रही है, टीम वाइज सरकार काम कर रही है। जैसे चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी के कैप्टनशिप में चुनाव लड़ा गया था, उनको एक लीडर प्रोजेक्ट किया गया था और उस के मुखिया थे, संगठन के मुखिया थे राजनाथ जी थे, तो सरकार अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया और सरकार सत्ता में आई। उसी तरह से जब सत्ता में आने के बाद सरकार ने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया, तो 100 दिन में अगर आप देखिए मोदी सरकार ने 100 दिन में जो अपना स्टेप उठाया उसको देख के, अभी जिसकी बात प्रणव जी कह रहे थे कि सरकार की दिशा और दशा दोनों स्पष्ट होती है, उसकी नीयत और नेतृत्व, इस पर कोई सवाल खड़ा करने की आज 100 दिन में कोई बात सामने नहीं आती है। अगर 100 दिन का परफॉर्मेंस देखें तो मुझे लगता है कि सरकार के सभी विभागों ने और खुद प्रधानमंत्री ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अगर किया है तो प्रधानमंत्री जी ने स्वतः किया है। और जब कैप्टन अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो पूरी टीम जो है, और कैप्टन का यही गुण भी होता है कि खुद खेले और पूरी टीम को खेलने का मौका दे, और पूरी टीम भी अगर परफॉर्मेंस करती है तभी मुझे लगता है कि सरकार बेहतर परफॉर्मेंस बिल्कुल और तमाम प्लेयर्स भी तभी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुलेमान साहब, मोदी सरकार के अगर इस 100 दिन के सैकड़े का आकलन किया जाए एक क्रिकेट मैच के तौर पर, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस 100 दिन के मैच में मोदी सरकार अपना पूरा मैच जीतने में कामयाब रही है? ये तो मैं समझता हूं 100 दिन का अगर मैच था तो इनिंग डिफीट हो गई मोदी सरकार को, इनिंग डिफीट हो गई, या वनडे मैच में 10 विकेट से इनकी हार हो गई,
उसकी रीजन ये है कि जिस तरह से रिहोटिक और लफाजी मोदी साहब ने चुनाव के कैंपेन में करी थी उसी को आज भी कंटिन्यू करे हुए, आज भी जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है लेकिन भाषण वही पूरे चल रहे हैं। आप कहते थे फूड इन्फ्लेशन हम डाउन करेंगे, जून में कम था, जुलाई में और ज्यादा बढ़ गया, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ा। सीज फायर वायलेशन 70 बार हो चुका है पाकिस्तान से, आप हमारा विरोध करते थे जब होता था और आप कहते थे टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। 11 जवान हमारे मरे, 3 सिविलियंस मरे, हजारों लोग डिस्प्लेस हुए। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ ने कहा है कि 1971 से ज्यादा बुरी पॉलिसी है और जो इंस्टीट्यूशन है उनको नीचा करने की भी एक साजिश है। जैसे प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल कर दिया लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं लाए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो स्पिरिट था फॉर्म करने का उस पर क्या इनकी स्टैंड रही। ब्यूरोक्रेट्स को कब्जा करने के बाद जुडिशरी को एक तरह से इंटरफेरेंस की कोशिश करी गई। हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनको पॉलिटिसाइज या कम्युनलाइज करने की साजिश है, सेफरोनाइज करने की साजिश है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का जो हेड बनाया वो एक आरएसएस नॉमिनी है जिससे यंग माइंड्स पॉल्यूट हो सके। तो इस तरह हाँ ब्लैक मनी का इन्होंने राजनाथ सिंह जी ने जिसमें तमाम चीजों का जिक्र यहां पर सुलेमान साहब कर रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हिट विकेट हुई है। आऊंगा वापस आपके पास सुलेमान साहब, पूरा वक्त दूंगा मैं आपको बोलने के लिए, लेकिन अगर शुरुआत यहां पर की जाए इस 100 दिन के सैकड़े के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार में अगर सबसे पहला खिताब किसे दिया जाता है तो वो है नितिन गडकरी, जिन्हें नितिन गडकरी जी को हमने मैन ऑफ द मैच के रूप में चुना है। आखिर क्या है इसका कारण, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये जो 3 मीटर या 5 मीटर का जो ड्राफ्ट रहेगा और बैरेजेस बनेंगे इस पर टेक्निकली और प्रोजेक्ट हो सकते कि नहीं हो सकते अध्ययन करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में मैन ऑफ द मैच कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं नितिन गडकरी। जी हां, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और नागपुर के सांसद नितिन गडकरी। मोदी ने गडकरी को सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की कमान के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। संघ का जबरदस्त समर्थन रखने वाले नितिन गडकरी ने जिम्मेदारी संभालते ही जबरदस्त बैटिंग शुरू कर दी थी। नागपुर मेट्रो, गंगा सफाई योजना, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, करप्शन से भरे आरटीओ को खत्म करने जैसे फैसलों ने नितिन गडकरी को कैबिनेट मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे पहुंचा दिया। इसीलिए गडकरी चुन लिए गए मैन ऑफ द मैच इन कैबिनेट मिनिस्टर्स। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा सफाई अभियान का एक्शन प्लान में नितिन गडकरी ने अहम फैसले लिए हैं। नितिन गडकरी ने ट्रांसपोर्ट और शिपिंग मंत्रालय को गंगा नदी में नेशनल वाटर वे विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन गडकरी ने गंगा सफाई अभियान के पहले दौर में वाराणसी और हुगली के बीच गंगा को कम से कम 45 मीटर तक चौड़ा करने तथा 5 मीटर गहरा करने का प्रस्ताव रखा है ताकि गंगा में जहाजरानी का संचालन किया जा सके। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हम लोग टर्मिनल्स बना रहे हैं, 11 टर्मिनल्स उसमें आते हैं और टर्मिनल हम लोग जैसे हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बनते वैसे टर्मिनल बनेंगे और ऑलरेडी हमने फरक्का करके एक जो पावर प्लांट है एनटीपीसी का हुगली से वहाँ कोल लेने के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया है। पिछले महीने नितिन गडकरी अचानक उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि सरकार देश भर में आरटीओ की जगह नई व्यवस्था लाने की तैयारी में है। स्टैंडर्ड का एक कानून अगले पार्लियामेंट के सेशन में हम लाएंगे और मेरा विश्वास है कि इससे परिवहन डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है वो पूरा समाप्त होगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी, चाहे गाड़ी का फिटनेस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वॉयलेशन हो किसी कानून का, ये सब ई गवर्नेंस के साथ कंप्यूटराइजेशन के साथ जुड़ा जाएगा। उनका सबसे क्रांतिकारी फैसला रहा करप्शन से भरे आरटीओ को बंद करने का। पूरे देश की जनता ने उनके इस फैसले पर जमकर वाहवाही की। साथ ही साथ एक साल में देश के सभी स्कूलों में शौचालय बनवाने और साफ सफाई का लक्ष्य रखा गया है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो गंगा सफाई का मामला हो, आरटीओ को बंद करने की बात हो या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इन तमाम चीजों को लेकर हमने नितिन गडकरी को मैन ऑफ द मैच चुना है और जाहिर है जिस तरीके से उनके काम करने का नजरिया सामने आया है उसके बाद जनता ने जरूर नितिन गडकरी के तमाम कामों को हाथों हाथ लिया है। मैं यहां पर दिनेश जी आप ही की शुरुआत करना चाहूंगा, नितिन गडकरी साहब की तरफ से जिस तरीके के काम यहां पर किए गए हैं उन तमाम चीजों को आगे करने की कोशिश की गई है, तो आपको लगता है कि इन तमाम पूरी कैबिनेट के अंदर नितिन गडकरी का जो काम रहा है वो बाकी मिनिस्टर्स से ज्यादा सुपीरियर रहा है?
नहीं, ऐसा आकलन तो देखिए कि मैन ऑफ द मैच कौन रहा है, तो हमको लगता है क्रिकेट के खिलाड़ी इसको बेहतर बता सकते हैं। आप भी क्रिकेट के खिलाड़ी, इसलिए नहीं, अब हम बार बार आपको निवेदन कर रहे हैं कि आपने निश्चित तौर पर नितिन गडकरी जी का काम बहुत सराहनीय काम है। इन्होंने जब महाराष्ट्र में ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो हाईवे बनवाया था एक अद्भुत नमूना है देश के सामने, और जिस तरीके से, जिस शालीनता से, जिस ईमानदारी से, जिस भरोसे से वो काम कर रहे हैं, जिस तेजी से काम कर रहे हैं, निश्चित ही मुझे लगता है कि मापदंड आपने कोई अपनाया होगा, उस मापदंड के अनुसार आप उनको मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर बाकी विभागों की बात कीजिए, आप बाकी मंत्रियों की बात करिए, तो मुझे लगता है जिस मैच की आप बात कर रहे हैं 100 दिन में, इसमें थोड़ा सा मैन ऑफ द मैच चुनना मुझे कठिन लगता है। आप किसी मिनिस्ट्री को उठा लीजिए, काले धन पर आप SIT की बात कर रहे हैं, आप अगर वित्त मंत्रालय में जाते हैं तो अरुण जेटली जी ने एक बेहतरीन बजट सुपीरियर ऑफ द कैबिनेट चुन लेते हैं, और तमाम उन लोगों के नाम, औरों के नाम भी हम आगे बताएंगे आपको किन किन को हमने। नहीं, निश्चित तौर पर वही कहना है, मेरे लिए थोड़ा कहना कठिन है कि मैन ऑफ द मैच कौन है। चलिए मनोहर जी, अगर यहां पर नितिन गडकरी के काम का आकलन किया जाए 100 दिन के अंदर, तो आपको क्या लगा कि नितिन गडकरी ने किस तरीके का काम किया है? देखिए, नितिन गडकरी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनसे मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है। वह एक विजनरी आदमी है, देश में विकास और खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, खास करके जो है मार्केट इकोनॉमी ओरिएंटेड और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लेकर के उनके पास विजन है। उन्होंने मुझे कुछ महीने पहले, चुनाव के पहले ही उन्होंने एक अपनी किताब भी दी थी मुझे, इंडिया एस्पायर करके, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बताई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो विजन डॉक्यूमेंट कमेटी का जो गठन किया था वह भी नितिन गडकरी के अंडर किया था। लेकिन मेरे हिसाब से 100 दिन का यदि पैमाना और किसी मानदंड पर अगर आप चर्चा करते हैं तो उसके सूत्र तय करने होंगे कि फंडामेंटल रिफॉर्म क्या है, मुद्दोवार रिफॉर्म क्या है, काम क्या है, सेक्टरवार क्या है। अब सबसे पहले अगर भ्रष्टाचार, महंगाई और गुड गवर्नेंस के इश्यू को हम लेते हैं तो पिछले 100 दिनों की शुरुआत का पैमाना अगर हम उनका जो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का है, मेरे हिसाब से इस अवधारणा का बिल्कुल गलत आने की अगर यहां पर बात की जाए, हमने उन तमाम चीजों को पैमाना माना है जिसको लेकर आज तक NDA सरकार के तमाम मंत्री और खासकर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री इस वक्त देश के हैं, कैबिनेट का नेतृत्व वो कर रहे हैं, उन्होंने जो पैमाने निर्धारित किए थे उस पैमाने पर हमने तमाम मंत्रियों को घिसा है, और उसके बाद ही हमने यहां तमाम चीजों को निर्धारित किया है कि कौन हमारे हिसाब से इस 100 दिन के सैकड़े के अंदर या इस 100 दिन के मैच में मैन ऑफ द मैच रहा है और कौन कौन से वो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बहरहाल, इस चर्चा मेरे साथ सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी भी जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, आपके पास भी आना चाहता हूं, आपको लगता है कि नितिन गडकरी ने इस 100 दिन के मैच में चौके छक्के जड़े हैं? बिल्कुल, हमने जो पैमाना क्या रखा था इस विषय पर अभी जो बात हो रही है जी, तो हमने सबसे पहला पैमाना रखा था कि इन्होंने अपने मंत्रालय में कितने निर्णय किए, तो ओवरऑल कैबिनेट मिनिस्टर जितने हैं उनमें सबसे ज्यादा निर्णय करने, उसके बाद पुराने रुके हुए मामलों को ठीक करने, तीसरा सबसे ज्यादा लोगों को मिलने, चौथा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से सरकार को जोड़ने, और पांचवा मीडिया में ज्यादा से ज्यादा छाए रहने। ऐसे 5 मुद्दे हमने मार्क्स देने के लिए लोगों को दिए थे, उसके आधार पर यह हुआ है कि क्या मैन ऑफ द मिनिस्ट्री कौन, कैबिनेट मैन ऑफ द मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट चार्ज और मैन ऑफ द मिनिस्ट्री MOS स्टेट, ये आपने पैमाना रखा था। बिल्कुल सुलेमान साहब, आपके पास भी आना चाहता हूं, आपने तमाम पैमानों की अगर मैं यहां पर जिक्र करूं, शायद आप मुझसे वो सवाल ना पूछे जो दिनेश जी मुझसे पूछ रहे हैं, तमाम लोग जो यहां पर मौजूद हैं मुझसे पैमाना पूछ रहे थे, सुरेश जी ने उसका जवाब भी दिया कि हमने किस पैमानों पर इन तमाम मिनिस्टर्स को घिसा है। आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाबी नितिन गडकरी को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मिली है? सुमित चौधरी जी, बड़ा मुझे हैरत हो रही है, आश्चर्य हो रहा है इस बात पे कि आपके न्यूज चैनल पे नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पहले ही मैच विनर बना दिया आपने, आपने मैच विनर बना दिया, मैच विनर से ही मैन ऑफ द मैच होता है आमतौर पर। हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार है उस सरकार में जो मंत्री है उन मंत्रियों में परफॉर्मेंस किसका क्या रहा, मैच तो पहले हो चुके हैं और उसमें कांग्रेस हार चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर सत्ता वाली बात तो करी नहीं, सत्ता में सरकार में बीजेपी की मोदी रूलिंग गवर्नमेंट है तो उसी का तो हम मैच कहेंगे ना, उसी को तो मार्क्स देंगे, राहुल गांधी को तो मार्क यहां दे ही दे सकते हैं। चौहान साहब, हम आपके जज्बात समझ रहे हैं, आपको बड़ी मोहब्बत है इस वक्त, हम आपके जज्बात नहीं, हमें मोहब्बत की बात देखिए, हम तो पत्रकार हैं, हम इससे क्या मतलब है कि वहां सत्ता में कौन बैठा है? आपको कहने की पत्रकारिता, जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं ये सही पत्रकारिता नहीं है।
पत्रकार नहीं वो धैर्य से सुनिए, अब असल में पत्रकारिता का भी सर्टिफिकेट जो है कांग्रेस वाले अभी तो आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, अभी आप सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, अब आप जो है कौन पत्रकार है कौन नहीं पत्रकार है इसका भी सर्टिफिकेट आप बांटना शुरू कर दिए हैं। पहले हमारी सुलेमान साहब बिल्कुल मैच विनर है, एक मिनट सुमित जी सुलेमान साहब को मैं एक चीज बता दूं कि 100 दिन का मैच विनर है भारतीय जनता सरकार, इसलिए मैच विनर है कि आपने 100 दिन में भी आपकी सरकार ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था सुलेमान साहब, क्या आपने 100 दिन में महंगाई कम किया? सुन लेते प्रोग्राम आप करा रहे हैं, ठीक है बोलिए सुलेमान साहब। पहले तरीकेकार सीखे आप प्रोग्राम कराने का, डिबेट कराने का तरीकेकार सीखिए। आप मुझे बता दीजिए सर मैं किस तरीके से डिबेट कर रहा हूं, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं बोलने के लिए, आप उसे बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल आप रख सकते हैं बात, मैंने आपकी कोई बात नहीं काटी, पहले चौहान साहब बोले फिर दिनेश साहब, हाँ तो ठीक है आप बोल सकते हैं, सुनिए इससे पहले भी काटी जब मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, सुनिए बात। सबसे पहले तो आपके चैनल ने बीजेपी की गवर्नमेंट को 100 दिन में मैच विनर डिक्लेयर कर दिया, उसमें से आप मैन ऑफ द मैच चूज कर रहे हैं, ठीक है। मेरे नजदीक बीजेपी ने जो रिहॉटिक जो लफाजी चुनाव में करी थी वो आज तक कंटिन्यू है, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्हें वो अब गवर्नेंस में आ गए चीजें पूरी करें। काले धन पे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि 100 दिन में हम काला धन लाएंगे, मोदी जी ने पर्सनल जाती एश्योरेंस दिया था कि मैं उसको मेक श्योर करूंगा कि उस काला धन 100 दिन में आए, उस पर लेजिस्लेशन बनाऊंगा और ईमानदार टैक्स पेयर में वो धन को बांट दूंगा। जो प्रपोज 85 लाख करोड़ रुपया है उस पर क्या हुआ, लोग ईमानदार लोग उसका इंतजार कर रहे हैं टैक्स पेयर कि कहां है वो धन। जेटली जी बाबूलाल गौर जी के जो स्टेटमेंट है रेप पे वो आप जान सकते हैं, वुमेन सुरक्षा की तरफ कितने सेंसिटिव हैं। 56 इंच का सीना पाकिस्तान में जब सीज फायर वायलेशन होता था सरहद पे और कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी ने कहा था 56 इंच का सीना चाहिए। ठीक है सुलेमान साहब, आपने तमाम एक मिनट सुलेमान साहब मेरी बात क्यों नहीं पूरी करने दे, नहीं मैं पूरी बात कीजिए, आप पहले मेरी भी सुनिए, मेरी बात आपने तमाम चीजों का जिनका आकलन कर दिया, मैंने आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछा था गडकरी को आप कितने नंबर देते हैं, मैंने मोदी सरकार को नंबर देने के लिए आपको नहीं कहा था, आप अपने वापस मेरे सवाल पर आए, नितिन गडकरी को आप कितने नंबर दे रहे हैं उनके मंत्रालय के हिसाब से, कि सरकार में एक काम ऐसा नहीं हुआ है कि एक नंबर भी दिया जाए, नितिन गडकरी को आप कितने नंबर दे रहे हैं उनके मंत्रालय के हिसाब से, मैं आपके वापस अपने सवाल पर आ रहा हूं, नितिन गडकरी के आकलन को जी आप मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन मेरा नहीं कर, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपसे आपका कमेंट मांग रहा हूं कि नितिन गडकरी को आप उनके नंबर पर कितने नंबर दे रहे हैं जी। नहीं नहीं दिस इज नॉट द वे टू डिबेट, आप मेरा प्यारा पूरा जवाब सुनिए, मैं उन्हें भी नंबर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि 100 दिन में 70 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है, 11 हमारे सिपाही मारे गए, 3 सिविलियंस मारे गए, हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि 1971 से ज्यादा बुरे भाई ये गडकरी के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं और है जहां तक नितिन गडकरी डिस्कशन में तो समझ लीजिए कि मुद्दा हम रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कह रहे हैं। आप क्या नितिन गडकरी, हाँ जवाब दे रहा हूं, आप नितिन गडकरी जी को ग्लोरीफाई को निकाले, हम तीन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, आप ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, हम तीन नया मैंने आज पहली बार हमने जो वोटिंग किया है शुरू हो गई, तीनों में जो तीन मिनिस्टर निकले उस पर बात करिए ना, के बाद आपने ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, कौन ग्लोरीफाई कर रहा है सुलेमान साहब, मतलब आश्चर्य हो रहा है मुझे। अरे सुलेमान भाई जी अगर आप ये कह रहे हैं कि को मैन ऑफ द मैच सारे लोग बीजेपी के फेवर कर रहे हैं तो देश का एक भी चैनल 50% से कम वोट नहीं दे रहा है उनको, तो आप कहेंगे देश के सारे चैनल मोदी के हो गए। सुरेश जी जरा क्षमा करिएगा, असल में कांग्रेस पार्टी की आदत पड़ गई है, सत्ता में रहते हुए जिस तरह से डिबेट चाहते थे कराते थे आज सत्ता से हटे, आप क्यों सुलेमान साहब आप पढ़े लिखे हैं, आप डिबेट करते विपक्ष में बैठते थे तो आप हमें कहते थे सीज फायर वायलेशन के लिए हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपने क्या जवाब दिया, बायलेटरल टाइज आपने क्रॉस कर दिया, आप वो चैलेंज खत्म कर दिया आपने, आप कह रहे हैं कि एक काम नहीं हुआ है, आपको काम गिनाओ, हमारी अच्छी सुलेमान साहब आपको काम गिनाओ, नया काम आपने नहीं किया, नहीं हम कह रहे हैं आपको नया काम दिखाऊं, जो सुनाओ हमारी थी उसी को आपने अपना नाम दे दिया, आपको नया कपड़ा पहना के आपने, आप धैर्य रखिए तो मैं बताऊं कि नया क्या हुआ किया आपने, नहीं आप अगर धैर्य रखें तो मैं आपको बताऊं प्लानिंग कमीशन आपकी सरकार 10 साल की साख आपने काले धन में क्या किया था, आपने जुडिशियरी में इंटरफेरेंस किया, पहला काम हुआ आपने लीडर ऑफ अपोजिशन की जो स्पिरिट थी उसे खत्म किया सुलेमान साहब, आपने सेफ्रोनाइजेशन ऑफ चर्चा कर रहे हैं,
पहले उनकी बात सुन लीजिए, आपके हिसाब से चलेगा नहीं ना कि जैसे कांग्रेस पार्टी चाहेगी वैसे ही टीवी का डिबेट शुरू होगा। देयर इज नो गेम चेंज, देयर इज ओनली नेम चेंज, बस नाम बदला है। नाम नहीं बदला, काम बदला है, तरीका बदला है, नाम बदल दिया और आप उसे अपोज करते। सुलेमान जी जनता ने चेंज कर गेम चेंज नहीं है, जवाब आप दे नहीं पाते हैं। समझ में नहीं है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। सुलेमान साहब जवाब जवाब हम नहीं देंगे, दस जनपद सरकार नहीं चल रही, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, मेरा सिर्फ दिनेश जी सिर्फ कोई मौनी बाबा प्रधानमंत्री नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। से बाहर आए और 56 इंच का सीना क्या होता है, मैं कहना चाह रहा हूं गवर्नेंस मोड में आए नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं गवर्नेंस बोर्ड में आया, आप इलेक्शन बोर्ड से बाहर निकले, ठीक है, आप चुनाव बोर्ड में ले चुनाव जीत गए, हम हार गए, अब आप गवर्नेंस में इन्फ्लेशन भी क्या किया आपने, बिल्कुल वही एक एक ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है। सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 दिन सुनिए, दिनेश जी एक मिनट सुनिए, गवर्नेंस को लेकर बात चल रही है, गवर्नेंस को लेकर अगर सुलेमान साहब मैं आपके पास आऊँ, गवर्नेंस को लेकर ही मैंने आपसे सवाल किया था, क्या उस गवर्नेंस में नितिन गडकरी अपने मंत्रालय के अंदर कामयाब हुए हैं या नहीं, आप कितने नंबर देते हैं, मेरा सीधा सवाल आपसे यह था। आप अपने पूरे जितने इल्जामात आप लेकर, नहीं एक मिनट, आप जितने इल्जामात लेकर आए हैं आप उन पूरे इल्जामात को लगा सकते हैं, जहां जहां वो फेल हुए हैं उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ पहले एक पार्ट पर जिक्र कर लेते हैं। जी मैं बोले सुलेमान साहब, चलिए चलेंगे उनके पास, हमारा संपर्क फिलहाल उनसे यहां पर टूट गया है, लेकिन सुरेश जी अगर इस पूरे आकलन को देखा जाए, अगर इस तरीके से अगर हम पूरे उसको ओवरऑल वो करते हैं, जज करते हैं, तो हमारे पास जो फीडबैक आए हैं, हमने कुछ देर पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें जनता के हमारे पास फीडबैक आए, हमने बाहर जाकर भी आकलन किया, मैक्सिमम लोगों का जो आउटपुट आया है उसमें उनका यह कहना है कि तमाम वो चीजें फुलफिल हुई हैं। इसके बावजूद भी अगर विरोधियों की तरफ से इस तरीके का रिएक्शन आता है, उसका क्या कारण है? नहीं देखिए, वो तो उनका काम है रिएक्शन देना, या सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो अपनी नौकरी नहीं निभा रहे, ऐसा ही उनका मैसेज जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके आगे जाके मतलब विपक्ष ने अपनी भूमिका निभानी चाहिए, यहां तक ठीक है, लेकिन अगर सत्य को नकारेंगे, आज सूरज उगा ही नहीं कहेंगे तो दुनिया तो मूर्ख नहीं है। मैं अभी ये डिबेट शुरू होने के पहले मैं जानबूझ के देश के सारे चैनलों को सर्व कर रहा था और इसलिए मैं 5-6 मिनट लेट ज्वाइन हुआ, तो तमाम चैनल यही दिखा रहे थे जो जिस प्रकार का आरोप इन्होंने लगाया, उस प्रकार का आरोप जिनके खिलाफ लगता है जो कांग्रेसी पत्रकार कहे जाते हैं, ऐसे पत्रकार ने भी इस सरकार को 5.5 वोट दिए, ऐसा मैं अभी देख रहा था। एवरेज 7.5% वोट देने का काम एबीपी कर रहा है, मैं चैनल का नाम भी ले रहा हूं, आज तक कर रहा है या बाकी जो भी चैनल है, किसी ने भी इस वोट प्रतिशत को 50 से नीचे नहीं दिया है। ठीक है सुलेमान साहब, आप अब तमाम चैनलों के पीछे सर्वेस ठीक में नहीं, नहीं उन सर्वे को छोड़ पहले किया ना आज किया, ठीक है ना ही हम उन सर्वे में बिलीव करते हैं। हाँ फिर कौन करा रहा है सर्वे? मुझे नहीं पता कौन करा रहा है, क्या पैमाना है, क्या नहीं, तो क्या सुलेमान जी ये चाहते हैं कि अभी राहुल गांधी का जरा और ना ही हमने पहले इसमें बात करा ना हमने, अगर हम बहुत अच्छा हमारे सुलेमान जी आप चाहते हैं राहुल गांधी के परफॉर्मेंस में बात हो, तब भी हम उसको भी करते हैं, सुलेमान का टाइम बढ़ा देते हैं, राहुल गांधी के परफॉर्मेंस में भी बात करते हैं। नहीं लेकिन ठीक बड़ा वैसे बड़ी हैरत की बात है सुमित चौधरी साहब और चौहान साहब जी, ये एक अजब अजब मंजर है हिंदुस्तान की राजनीति में। मेरी इतनी उम्र तो नहीं है लेकिन आप 15-20 साल से मैं भी राजनीति को ऑब्जर्व कर रहा हूं अपनी स्टूडेंट लाइफ से और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, लेकिन ये अजब मंजर है कि चुनाव में पहले नरेंद्र मोदी जी को ग्लोरीफाई करा गया एज अपोजिशन करते हो और बनने के बाद तो इस तरह से ग्लोरीफाई करा गया कि ना ही कभी कोई ऐसा आया है ना ही आएगा। राहुल गांधी को ग्लोरीफाई करने में मीडिया क्या राहुल गांधी के नहीं राहुल गांधी को ग्लोरीफाई क्या नहीं किया गया मोदी की सरकार का? क्या राहुल गांधी अगर किसी गरीब के यहाँ जाकर खाना खाते हैं मीडिया ने क्या उसे नहीं दिखाया? हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आकलन कर रहे हैं। नहीं अब नहीं तो आप तो कह रहे हैं ना कि आप इनको पास कैसे कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि डिबेट सरकार के परफॉर्मेंस पे है, डिबेट उसी पे बात करें। चलिए वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं अपनी डिबेट पर, आप करना चाहें आधे घंटे की डिबेट रखें, मैं राहुल गांधी जी की भी शख्सियत पे डिबेट कर सकता हूँ। बिल्कुल यहाँ उसी पर उन पर भी डिबेट कीजिए, हमने आपको आपका पक्ष रखने के लिए पूरा स्वतंत्र किया है। देता हूँ ठीक है मनोज जी से पूछना चाहूंगा थोड़ा सा, मनोज
बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं डिबेट में जुड़ने के पहले। ठीक है राहुल गांधी को कितना नंबर दे रहे हैं, दंगे हो चुके हैं जब से नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को कितने नंबर देते हैं। बच्चा पुणे में मार दिया गया विश्व हिंदू परिषद और चलिए और जब आपकी सरकार आज का हिस्सा नहीं लेकिन सुलेमान जी बात की बात कर रहे हैं। ये बच्चा कोई वहां पर धर्म के नाम पे नहीं मारा गया है, लड़कियों को छेड़ रहा था ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई है। प्रधानमंत्री बनूंगा डिस्कशन कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात करते थे आप 4.2 आपकी जीडीपी थी 5.7 ठीक है मनोहर मनोज जी एक मिनट वापस मनोहर मनोज जी शून्य यहाँ पर सुलेमान ठीक है एक मिनट मनोहर मनोज जी शून्य यहाँ पर सुलेमान साहब दे रहे हैं नितिन गडकरी को। आप अगर निष्पक्ष तरीके से जिस तरीके से सुलेमान जी को लगता है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया चैनल्स हैं वो बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आते हैं उन्हें, लेकिन आप निष्पक्ष तरीके से अगर इसका आकलन करें आप कितने नंबर दे रहे हैं। चर्चा का जो फाउंडेशन हैरत हो रही है बिल्कुल देखिए ये जो चर्चा का जो फाउंडेशन है नितिन गडकरी के जो सेंट्रिक कर दिया गया है तो थोड़ा सा पूरे जो चर्चा का सरकार के परफॉर्मेंस की गंभीरता से वो खत्म हो गया। एक्चुअली मनोहर जी हमने ये कार्यक्रम 3 मंत्रियों पे सेंट्रिक किया, 4 लोगों पे सेंट्रिक किया है। मैन ऑफ द मिनिस्ट्री कैबिनेट, मैन ऑफ द मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट चार्ज, मैन ऑफ द मिनिस्ट्री राज्य मंत्री और मैन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे 4 विषयों पर हमने सेंट्रिक किया है। ठीक है मुझे लगता है एक ही रिपोर्ट कार्ड दिखाया गया एक चर्चा करने के लिए इसलिए ऐसा आपको लग रहा है या फिर चारों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए और उसके बाद हम देखिए मेरे हिसाब से जिस तरीके का ये बहस आज डिजाइन किया गया था तो वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड पहले पेश कर दिया जाता। जैसे आपका वो क्राइटेरिया बड़ा बढ़िया था कि कितने पुराने डिसीजन को सुमित इसको रिपोर्ट कार्ड को पूरा प्ले करें फिर हम चर्चा पूरा रिपोर्ट यहाँ पर दिखाते हैं और किस किस मंत्री को हमने चुना है उनके काम के हिसाब से वो आपको दिखवाएंगे। उसमें कुछ वक्त यहां पर लगेगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हमें यहां पर आ रहा है, पूरी जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाएंगे इसी वक्त। सुलेमान साहब कुछ कहना चाहते हैं उनकी पहले बात सुन नहीं, लेकिन मैं सुलेमान साहब को मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुमित जी एक बात चौहान साहब एक सवाल है मेरा और सुमित जी जी मैन ऑफ द मैच जब चुनाव हुआ हम हार गए बीजेपी जीत गई, मैन ऑफ द मैच आप कहें या मीडिया कहे मोदी जी या अमित शाह जी मैन ऑफ द मैच बन गए। 100 दिन की सरकार हो गई आपने कैसे बीजेपी को विनर डिक्लेयर कर दिया और मैन ऑफ द मैच इंडिपेंडेंट। अरे भाई वहां हारने का सवाल कांग्रेस नहीं ना सरकार में, कैसे मतलब आपने जीतने का तो सवाल ही नहीं है। बीजेपी के लोग क्या नहीं सुलेमान साहब हम किसके अपोजिट दिखाएं से आपको अगर मैच की यहां पर बात लगती है आपको ये लगता है कि हमने कैसे विनर डिक्लेयर किया। मैन आप मैच विनर कैसे दिखा रहे हैं, मैच विनर कौन कह रहा है, मैच विनर हम जनता के हिसाब से जो हमें फीडबैक मिले उसके हिसाब से क्या परफॉर्मेंस किया ये विषय। चलिए रिपोर्ट देखते हैं एक मिनट मनोहर जी ठीक है वो रिपोर्ट देख लेते हैं जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है किस हिसाब से हमने तमाम मंत्रियों को इसमें चुना है। बेस्ट सांसद हमने आदित्यनाथ को चुना है, सुन लेते हैं किस तरीके से उन्हें हमने चुना है, किन पैमानों पर घिसा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैन ऑफ द मैच इन पार्लियामेंटेरियन योगी आदित्यनाथ। मोदी सरकार के लिए योगी ने संसद में धुआंधार बल्लेबाजी की। सांप्रदायिकता बिल पर योगी ने विपक्ष के हमलों का तीखा जवाब दिया। योगी और विवादों का चोली दामन का साथ। लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए योगी आदित्यनाथ महज 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बन गए थे। संसद और संसद के बाहर हिंदुत्व की मुखर आवाज। मोदी सरकार के 100 डेज मैच में सांसदों के बीच से मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत और लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए योगी प्रखर हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं। मोदी सरकार बनने के बाद जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ योगी ने धुआंधार बल्लेबाजी की। विपक्षी पार्टी के गेंदबाजों ने जब मोदी सरकार पर सांप्रदायिकता बिल के दौरान ताबड़तोड़ हमले किए तो योगी आदित्यनाथ ही थे जो संसद के पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए दिखे। लोकसभा में सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस को नसीहत भी दे डाली और कहा
कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने शपथ ग्रहण किया था और इस देश के अंदर इस सरकार के आने के बाद आम जनता में विश्वास बहाली हुई। जो माननीय खड़गे जी यहां पर कह रहे थे मैं उसके पीछे लेके चलता हूं और मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़े वास्तव में स्वीकार करेंगे और सचमुच इस देश की सांप्रदायिक हिंसा से लोग चिंतित हैं तो सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने जो घोषणाएं की हैं पूरे देश से इनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है एक तरफ आप कहते हैं हम सेकुलर हैं और दूसरी तरफ एजेंडा जो लागू करते हैं उसको सांप्रदायिक रूप से कॉम्युनल आधार पर लागू करते हैं। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु संत और पुजारी रहते हैं लेकिन ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं, क्या ये सेकुलर एजेंडा है? तो वहीं योगी और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ का एक सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया है। हालांकि 5 साल पुराने इस वीडियो को योगी ने खारिज कर दिया लेकिन मीडिया में आए वीडियो में योगी कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग एक हिंदू लड़की को ले जाएंगे तो हम उनकी कम से कम 100 लड़कियों को ले आएंगे। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं, जो कि हिंदू युवाओं का सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है। योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम अजय सिंह है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद थे, उस समय उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। योगी अपने क्षेत्र और देश की समस्या को समय समय पर संसद के अंदर और बाहर उठाते रहे हैं। वो पूर्वांचल की लाइलाज बीमारी इंसेफ्लाइटिस के लिए कई बार जूझते दिखाई दिए हैं। तो उधर उन्होंने 4 अगस्त को सदन का ध्यान इस बीमारी की तरफ लेने की कोशिश की। 16 वर्षों से लगातार सदन का ध्यान इस बीमारी की तरफ लेने की कोशिश की। सरकार का ध्यान भी मैं इस मुद्दे की ओर लगातार आकर्षित करता रहा हूँ और मैं इस बात की मांग करता रहा हूँ महामारी। योगी मोदी की सरकार के सबसे कद्दावर सांसदों में शुमार हैं। योगी 15वीं लोकसभा के 100 दिन में सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए हैं। उन्होंने संसद के अंदर और संसद के बाहर हिंदुत्व की आवाज को बुलंद किया। सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो तमाम चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया, अपने विरोधियों को जवाब दिया है, इसलिए हमने उन्हें मैन ऑफ द मैच दूसरे नंबर पर चुना है। यहां पर मनोहर मनोजी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं, उसके बाद में तमाम मेहमानों पर जाऊंगा। देखिए, एक निष्पक्ष विश्लेषक के नंबर पर नहीं, मैन ऑफ द मैच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किया है जी। देखिए, एक निष्पक्ष विश्लेषक के लिए और एक मीडिया बैकग्राउंड आदमी के लिए किसी का एक ऐसे लेवल प्लेइंग पर ही विश्लेषण किया जा सकता है। बहरहाल, आपने जितनी चीजें पैकेज में दिखाई हैं, मैं उनमें एक लाइन से बिल्कुल सहमत हूं कि सेकुलर एजेंडा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉलो नहीं करती है। वो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस बात को गौर करें, सेकुलरिज्म का मतलब जो होता है सबके लिए एक बराबर ट्रीटमेंट, हर सही को सही, हर गलत को गलत। आप रोजा इफ्तार भी न करें और होली मिलन समारोह भी न करें। पॉलिटिकल डोमेन में ये चीजें अलाउ नहीं होनी चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब होता है न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, और हर चीज को एक बराबर ट्रीटमेंट करना। धर्म जो है व्यक्तिगत मामला है, लोग अपने पर्व मनाए, त्यौहार मनाए, अपने वेशभूषा धारण करें, लेकिन राजनीतिक डोमेन में आकर के आप टोपी पहन लें, कभी माला पहन लें, मेरे हिसाब से सेकुलरिज्म के ये खिलाफ है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने अगर वो लव जिहाद का भी अगर मामला उठाया है और अगर वो धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक आधार पर इन चीजों को हवा दी जाती है तो उनके उस अभियान में दम है। इसमें कहीं से जो है हिंदूवाद की भावनाएं भड़काने वाली बात नहीं है। बाकी उन्होंने क्या किया, हिंदुत्व की आवाज है नहीं आवाज है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल यह भी करना चाहूंगा कि आपने कहा कि विपक्ष का नेता पद हमें नहीं दिया, आपको क्यों विपक्ष का नेता पद मिलेगा? आपने जब और लोगों को, जब टीडीपी को जो है और 1984 से लेकर के 3 बार ऐसा मौका आया, आपने तो किसी का विपक्ष का नेता नहीं बनाया था। उन लोगों ने इस तरीके से मांग नहीं की थी और आप जो है 44 सीटें पाकर के भी लगातार मांग कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि ठीक है,
वहां पर जो है उल्लंघन हो रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। क्या यदि आप सरकार में होते तो क्या पाकिस्तान पर हमला कर देते? मुझे इसका जवाब चाहिए। और चौथी बात ये, जो आप ये सरकार को जो है ब्लैक मनी पर जो आप कह रहे हैं कि 100 दिन में लाते, तो आप तो 10 साल सरकार में थे, आप क्यों नहीं ब्लैक मनी लेकर के आए? क्या आपकी राष्ट्रीय जिम्मेवारी नहीं थी? मैं ये बातों को निष्पक्ष तरीके से कह रहा हूं। बाकी 100 दिनों में मोदी सरकार का जो काम है, चाहे वो कितने भी तटस्थ विश्लेषक हो, सब ये मानने पर मजबूर होंगे कि सरकार ने बुरा काम नहीं किया है। चलिए सुलेमान साहब जवाब दें। पहले तो सुमित जी, आप अपने हर पैकेज के साथ मुझे आश्चर्यचकित कर देते हैं, मैं बहुत ही हैरत में पड़ जाता हूँ। चलिए हमारे प्रोड्यूसर, आपने योगी आदित्यनाथ को मैन ऑफ द मैच सांसद कर दिया। चलिए, वो हमारे प्रोडक्शन टीम जो है बहुत बेहतरीन, अरुण जेटली जी को आप दे देते हैं, वो बहुत अच्छी कमेटी। अरे भाई, कैटेगरी सांसद की है, अरुण जेटली मंत्री है। अब आप मेरी बात तो सुनिए। अरे आप गलत बोलेंगे तो सांसद भी है, वो सांसद भी है, मंत्री भी है। चलिए अच्छा, चलिए हम मंत्रियों को हटा देते हैं, हमारी गलती हो गई, हम अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को आप मैन ऑफ द मैच देते हैं, तो अब मैं ये कहूंगा सिर्फ कि जो आदमी, इसका मतलब तो ये हुआ जो कम्युनल एजेंडे को, जो आदमी ये कहे कि अगर एक मुसलमान किसी हिंदू लड़की को ले जाए, उसके बदले 100 मुसलमान लड़कियों को ले आओ, और ये आप कहते हैं 7 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन एक अंग्रेजी की कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ट, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। तो अगर ये 7 साल पहले भी कही ये बात, तो आज भी इमरान खान के इमरान मसूद के मसले पे ये टैगलाइन आप लोगों को याद रही थी? इमरान मसूद के मामले पे ये टैगलाइन आप लोगों को याद रही थी? नहीं, हमने सब हर बयान पे हमने कराई। अब सुलेमान साहब आपकी बात हो गई, आप जवाब देते देते आधे घंटे लग जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को आप नहीं, बात तो पूरी सुनिए। चलिए बोलिए। अगर आप मैन ऑफ द मैच देते हैं, तो आप एक कम्युनल जो स्टेटमेंट देता है उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एक आदमी जो इस तरह के देश को बांटने की बात करता है, उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सुलेमान साहब, एक सवाल है, सुलेमान साहब आप ही बोलिए कि सवाल का जवाब देना चाहिए। मुसलमान इस देश में, उसका जवाब दे रहा हूं, मुसलमान इस देश में सबसे बैकवर्ड है, दलितों से भी ज्यादा बैकवर्ड है, रिपोर्ट कहती है सच्चर कमेटी की। तो क्या हिंदुओं की लड़कियां लेके जाएगा? बैकवर्ड है तो क्या तकलीफ है? नहीं सुलेमान साहब, एक चीज है, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं कहा, जिस सांप्रदायिकता की आप बात कर रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस तरह के स्टेटमेंट देना, ये देश की सोशल हार्मनी। अरे सुलेमान साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू की बात करने वाला गुनाहगार हो जाता है, एक मिनट, ये हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है, तहजीब है, नहीं एक चीज है, और इसे हम फॉलो करेंगे। ये देश की जो स्पिरिट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसे जोड़ के रखता है। सुलेमान साहब, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खड़े होकर कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है, गंभीर अपराध, तब आप लोग कहां चले जाते हैं? वो संवैधानिक पद के सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ पुरुष चैंपियन बना दिया, जब ये कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार उनका है, तब आप कहां चले जाते हैं? आज आप लच्छेदार बातें करने आ रहे हैं, हिंदुस्तान में रहते हुए अगर एक सांसद और हिंदू हित की बात अजीब देश है। चलिए ठीक है सुलेमान साहब, नहीं नहीं मुझे लगता है सुलेमान जी को, और इसलिए इस विषय का निंदा करने का अधिकार है, बशर्ते वो पहले मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट के लिए माफी मांगे और फिर योगी आदित्यनाथ की। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, सवाल खड़ा करें अगर सुलेमान साहब, अगर बिल्कुल सुलेमान साहब आप में अगर जवाब हैं, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट को आप कहिए। मैं बता दूं, सीज फायर वायलेशन का बता दूं, जब हम सरकार में थे, मनमोहन सिंह योगी आदित्यनाथ की बात, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर जिक्र चल रहा था, आदित्यनाथ की बात हो रही है, आप मनमोहन सिंह वाले बात पर बताइए ना। आपका बात है की योगी आदित्यनाथ को आप चैंपियन ठीक है, ठीक है, रुकिए रुकिए एक मिनट सुलेमान साहब, सुलेमान साहब, अगर इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ के जो संसाधन है उनको सबसे पहले किसी विशेष समुदाय का हक है, कांग्रेस सरकार में है और बीजेपी विपक्ष में है, सुलेमान साहब नहीं ठीक है, आज बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी भी विपक्ष में है। चलिए ठीक है सुलेमान साहब, अब सुलेमान साहब एक मिनट, अब सुन भी लीजिए, आप ठीक है, और आप जब भी बहस करते थे जब हम सत्ता में थे आप विपक्ष में थे। चलिए सुलेमान साहब ठीक है, वापस आ जाते हैं, दिनेश जी एक मिनट, एक मिनट सुलेमान साहब, विपक्ष के नेता मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट पर भी आप जवाब दे दें, बिल्कुल सुलेमान साहब, अगर आपको योगी आदित्यनाथ के इस हमने जो रिपोर्ट दिखाई उस पर इतनी आपत्ति है, तो आप मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट पर भी अगर सफाई देते तो बेहतर रहेगा, जो विशेष समुदाय के लिए उन्होंने कहा था कि इस देश के उप जी
उस पर भी स्टेटमेंट पे अगर आप क्लेरिफिकेशन दे दो ज्यादा बेहतर है। फिर क्या सिर्फ हिंदुत्व की बात करने वालों के ही खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कौन? या विशेष समुदाय के ऊपर अगर कोई इस तरीके का स्टेटमेंट आता है उसके ऊपर किसी को नहीं किया जाए? बताइए जी दिनेश सिंह जी और दिनेश सिंह जी, जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है, और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। जवाब देता हूँ जी, हाँ इसका जवाब देता हूँ मैं जी, दे आपको इसका जवाब जी। एक कमेटी 15 मेंबर कमेटी एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र सच्चर की कयादत में चेयरमैनशिप में कायम हुई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2006 में दाखिल करी। उस रिपोर्ट के मुताबिक इस देश के सबसे दबे कुचले पसमांदा बैकवर्ड लोग मुसलमान हैं, और उनको रिजर्वेशन की जस्टिस रंगनाथन मिश्रा ने और उस रिपोर्ट ने सिफारिश करी। उस बात को देखते हुए मनमोहन सिंह जी ने कहा क्योंकि सबसे दबे में तो किसी भी रिसोर्स पे पहला उनका है जिससे वो बराबर हो जाए। दो भाई हैं घर में, क्या हिंदुओं में गरीब नहीं है? क्या हिंदुओं में गरीब नहीं है? जाति धर्म और मजहब में गरीब नहीं है? गरीबी जाति और मजहब पूछ के आते हैं सुलेमान साहब? दलितों को स्पेशल प्रोविजन नहीं है? नहीं, सुलेमान साहब गरीबी तो है, जाति और मजहब पूछ के आते हैं। मैं पूछ रहा हूँ ना, चलिए ठीक है, अजीब बात आप कर रहे हैं। आप तो नहीं नहीं ना ना मतलब जितने मुसलमान हो गए, सुलेमान जी अगर सच्चर कमेटी की आप बात करें तो सच्चर कमेटी आपने लागू नहीं की, आपने उससे पूरी सहमति नहीं जताई। आपके अल्पसंख्यक मंत्री थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने इस सच्चर कमेटी के बारे में कहा था सच्चर कमेटी मतलब कोई कुरान नहीं जिसका एक एक शब्द मानना चाहिए, तो बड़े अफसोस की बात है। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कम्युनल बात कही है, दंगे की बात कही है, मनमोहन सिंह जी ने एक बैकवर्ड कम्युनिटी को कौम को ऊपर उठाने की बात की। देखिए सुलेमान जी, देखिए स्टेटमेंट में कहा मनमोहन सिंह जी को, योगी सुलेमान साहब सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे आपके शासन काल में हुए हैं, उठाकर जरा देख लीजिए आंकड़े। सौ दिन में 600 हो गए आपके शासनकाल में, 100 दिन में 600 दंगे हो चुके हैं। जरा आंकड़े चलिए ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने आपका मैच स्वतंत्र परिवार में हमने किसको दिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर क्या इस मैच में नरेंद्र मोदी सरकार ने सैकड़ा जड़ा है, और क्या नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर्स मैन ऑफ द मैच चुने जो चुने गए हैं उनके हिसाब से और जनता की एक्सपेक्टेशंस पे क्या वो तमाम मंत्री खरे उतरे हैं? इसी पूरी कड़ी में हमने मैन ऑफ द मैच इन स्वतंत्र प्रभार में जिसे चुना है वो है प्रकाश जावड़ेकर। आखिर क्यों चुने गए प्रकाश जावड़ेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कह रहा हूं कि हमने 100 दिन में जो प्रोसेसेस है वो ट्रांसपेरेंट किए, एक अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया, और पर्यावरण रक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए निर्णय लिए। मैन ऑफ द मैच स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी के सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। मोदी सरकार के उन चुनिंदा मंत्रियों में से एक है जो टीवी पर ज्यादा दिखाई देती है। जावड़ेकर की कमान में अब पर्यावरण संबंधी फैसले फटाफट हो रहे हैं, अब फाइलें अटकती नहीं जल्दी क्लियर हो जाती है। प्रकाश जावड़ेकर की अगुवाई में यह कदम उठाए गए हैं। औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी ऑनलाइन कर दी गई है। बोर्ड की पहली बैठक में ही करीब 150 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय कृषि से जुड़ा 24 घंटे का चैनल डीडी किसान इसी साल शुरू करने की तैयारी में है। दर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो पर्यावरण से जुड़े मामले हों उन पर तमाम मामलों में जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए हमने यहां पर स्वतंत्र प्रभार के लिए मैन ऑफ द मैच चुना है प्रकाश जावड़ेकर को। मनोज साहब सबसे पहले आप ही के पास, अगर इस आकलन को किया जाए जिस तरीके नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक टैक्स की बात की थी जिसे उन्होंने जयंती टैक्स दिया था, क्या उससे आगे बढ़े हैं यहां पर प्रकाश जावड़ेकर साहब? देखिए अभी 100 दिनों में कोई बहुत सारे इन्वेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस के कोई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए नहीं हैं, लेकिन यह है कि प्रकाश जावड़ेकर के पास करीब 2-3 मंत्रालय है, INB है, इन्वायरमेंट है
और शायद एक मंत्रालय और भी कोई है जी। तो उसमें जो उनका एक जो सूत्र वाक्य है अभी एक तरह से कि मान लीजिए कि मीडिया को लेकर के जो है उन्होंने कहा कि छोटे मझोले और लघु समाचार पत्रों के लिए वो बढ़ावा देंगे तो वो अभी देखना बाकी है। बाकी एनवायरनमेंट को लेकर के चूंकि ये सरकार का जो यूएसपी है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के जिस फाउंडेशन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी और मनमोहन सिंह उसके चैंपियन थे उस पॉलिसी को सोनिया गांधी ने गड्ढमद कर दिया अपने सोशल इंक्लूसिव पॉलिसी के जरिए। केवल पॉपुलिज्म आया, केवल पैसे की बर्बादी हुई और इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा कि वो लोकप्रियता अलोकप्रियता में बदल गई। नरेंद्र मोदी नई आर्थिक नीति के ट्रैक पर गुजरात में भी उन्होंने उस मॉडल पर काम किया और भारत सरकार में भी वही उनका सबसे बड़ा यूएसपी होगा। हालांकि वो विदेशी मोर्चे पर सबसे ज्यादा अभी सफल कहे जाएंगे पिछले 100 दिनों में देखा जाए तो इन्वायरमेंट का क्लियरेंस होना और वह भी एक क्वालिटी ऑडिट होना, क्वालिटी क्लियरेंस होना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वायरमेंट को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए क्योंकि वो चार पांच जो विजन एजेंडा नरेंद्र मोदी भी जो कहते हैं उसमें टूरिज्म और इन्वायरमेंट ये तमाम मसले इंक्लूड होते हैं। ठीक है सुरेश जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, इसमें एक तो जो गति है और जो होप है ये दो चीजों को अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री में इन्होंने एवरेज 60 फाइलों को एक महीने में क्लियर किया। यही अगर हम पिछले बार को देखते हैं, पिछली सरकार को देखते हैं तो उनकी गति 19 की थी। इसके साथ ही वो फाइलें क्लियर करने के लिए जयंती टैक्स लगता था, ऐसा आरोप दिल्ली में लगता था, जो आरोप यहां 100 दिनों में इनके ऊपर नहीं लगा। ये दो बातें हैं। ठीक है सुलेमान साहब, आप अपनी टिप्पणी करें इस पर। देखिए ये बात तो मैं नहीं कह सकता कितनी उन्होंने फाइल क्लियर करी है, कितने प्रोजेक्ट क्लियर करे हैं एनवायरमेंट इंडस्ट्री में। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यूपीए अच्छा चलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने आवाम के जो गरीब किसान और जिनकी जमीनें एक्वायर करी जाती थी उनके लिए एक बहुत बढ़िया लेजिस्लेशन है, कानून बनाया था, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट, जिसे आप लैंड एक्विजिशन एक्ट भी कह सकते हैं। उस कानून के तहत जिसकी भी जमीन एक्वायर करी जाएगी उसे चार गुना तक कॉम्पनसेशन रूरल एरियाज में, देहाती इलाकों में, और दुगना कॉम्पनसेशन तक शहरी इलाकों में। उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन स्कीम्स भी थी, बड़ा अच्छा कानून आया था। अभी हमने अखबार के जरिए, अखबार के माध्यम से उसके जरिए हमें मालूम चला कि उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को सॉफ्ट करा जा रहा है प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने के लिए, जो हमने अखबारों में पढ़ा। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आम जनता जो आवाम है उसकी बेहतरी के लिए, कमजोर लोगों के लिए एक अच्छा कानून बनाया गया था कि स्ट्रांग इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉरपोरेट लॉबी उनकी जमीनों को ना ले पाए, लेकिन उसको सॉफ्ट करके प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देना या इंडस्ट्रियलिस्ट को बेहतर सुविधाएं देना, ये हम इसका विरोध करते हैं और ये गलत है। तो हम उन्हें कोई इस बात पे आप, मैं एक एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। कमलनाथ जी ने भी उस यूपीए 2 के उस कानून के बारे में, कमलनाथ ने भी ये कहा था, उनके पास जो डिपार्टमेंट थे उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि इतना सख्त कानून गति से काम करने के लिए आड़े आएगा जी। नहीं, और वो कानून अभी उसमें फेरबदल भी नहीं हुआ सुरेश जी, और बिना कानून के फेरबदल के इतनी फाइलें क्लियरेंस हुई हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं और फाइलें क्लियरेंस हो रही है, क्लियर हो रही है, तो मुझे लगता है कि सुलेमान साहब को इसको बेहतर समझना चाहिए। अगर उसमें संशोधन बाद में कुछ आते ही तो आपको आपत्ति उठानी चाहिए, लेकिन अभी बिना किसी संशोधन के ही फाइलें क्लियर हो रही, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। नहीं, सुनने में हमारे आ गया, अब पता नहीं वो फाइलें कैसे क्लियर हो रही है। हाँ यही ना, हम तो जानते नहीं कौन सी फाइल कब क्लियर। चलिए चलिए, होगा भी तो 100 दिनों के बाद होगा, वो कैसे प्रोजेक्ट पता करना चाहिए ना कम से कम। नहीं, लेकिन मैं इस पर एक बात कहूंगा, कोई भी वन साइडेड पॉपुलेशन, अगर वो लैंड एक्विजिशन एक्ट इनका ज्यादा प्रो फार्मर था तो कोई वन साइडेड पॉपुलेशन कोई अच्छी बात नहीं है। सारे हितों को देखते हुए जो सबसे संतुलित नीति है वो अपनाने में ही देश का फायदा है, गरीबों का भी फायदा है और उद्योग का भी फायदा है। क्योंकि उद्योग नहीं लगेगा तो लेबरर्स को रोजगार नहीं मिलेगा, जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी, टैक्सेशन नहीं बढ़ेगा। तो हम जो ये सेक्शन और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो तय कर देते हैं समाज में कि हम एक ऐसा चीज लाएं कि एक खास किस्म का वोटर तैयार हो, एक खास किस्म का सपोर्टर तैयार हो, एक खास किस्म का प्रेशर ग्रुप हमें समर्थन के लिए आए, वो कहीं से अच्छी नीति नहीं है। नीति में संतुलन आना बहुत जरूरी है और उसमें जो है इक्विलिब्रियम और एक लॉन्ग टर्म किस्म के ग्रुप को या वोटर को तैयार करने के लिए कानून लाया गया था। एक अंग्रेजों के जमाने का कॉलोनियल कानून था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का कानून, उसको अगर ओवरराइड करके अच्छा कानून आ गया तो क्या तकलीफ है किसी को।
आम जनता की जमीन नहीं है, तकलीफ है लेकिन वही काम नहीं हमने यही मैं कहना चाह रहा हूं चलिए दिनों में उस चर्चा मिले प्रोजेक्ट से अरबों खरबों के फायदे हो रहे हैं उसमें अगर थोड़ा कॉम्पनसेशन किसानों को मिल जाएगा तो क्या तकलीफ नहीं सवाल ये है कि आखिर क्यों उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए ठीक है हमने यहां पर राज्य मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू को भी चुना है जिन्हें हमने बिल्कुल राज्य मंत्री के तौर पर हमने मैन ऑफ द मैच किरण रिजिजू को दिया है क्यों उन्हें मैन ऑफ द मैच हम दे रहे हैं राज्य मंत्री के तौर पर इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं मोदी सरकार के 100 दिनों के मैच में स्टेट मिनिस्टर किरण रिजिजू को सर्वश्रेष्ठ चुन लिया गया है पहली बार से नॉर्थ ईस्ट कोई मिनिस्टर बना है वो है किरण रिजिजू इनके गृह राज्य मंत्री बनते ही एक चुनौती थी कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भरोसा दिया जिस तरह दिल्ली और अन्य राज्यों के उन लोगों के साथ व्यवहार हो रहा था उससे वो लोग अपने को भरोसा जीतने में कामयाब हुए और उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठ पर बताया कि बीते दो बरस के दौरान दिल्ली से कुल 1576 बांग्लादेशी नागरिक वापस भेजे गए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2012 में 902 और 2013 में 674 बांग्लादेशी दिल्ली से वापस भेजे गए तो किरण रिजिजू की तरफ से जो काम किए गए हैं चाहे वो नक्सलवाद को लेकर हो या तमाम उनके जो अंडर में तमाम मिनिस्ट्रीज आती हैं उसके हिसाब से हम उन्हें मैन ऑफ द मैच चुन रहे हैं छोटे छोटे कमेंट्स मैं यहां पर आपसे लेना चाहूंगा सबसे पहले मनोज साहब आपसे लेना चाहूंगा नहीं ये सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पूर्वोत्तर से और एक युवा को मंत्री बनाया गया नरेंद्र मोदी का ये एक बढ़िया निर्णय था और एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक सीमावर्ती राज्य के आदमी को गृह राज्य मंत्री बनाने के लिए उनमें एक कॉन्फिडेंस देने के लिए और मुझे लगता है कि जो मैंने संसद अटेंड करता था और जिस तरीके से कई सवालों के जवाब किरण रिजिजू देते थे मिला जुला करके काम उनका सही रहा है और मुझे लगता है पहली बार आप भी महाराष्ट्र से बाहर आकर के किसी एक मंत्री को अगर ये कैटेगरी का अवार्ड दे रहे हैं तो आपकी भी सराहना की जानी चाहिए चलिए ठीक है दिनेश जी आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से किरण रिजिजू को अगर मौका दिया गया तो खड़े उतरे अपने नहीं निश्चित तौर पर खड़े उतरे और हम ये कहते हैं कि हमारे जिन साथियों को दिख नहीं रहा है अगर आपको 100 दिन में अगर आप देखिए कि पेट्रोल के दाम 3 बार कम हो जाए अगर आप देखिए इस देश में डॉलर जो है 68 रुपए से 60 रुपए आ जाए अगर अगर सुन लीजिए डीजल के दाम सुनेंगे और टमाटर सुनेंगे बिल्कुल लाल हो जाता रखिए बीच में टोकने के लिए वक्त खत्म हो गया और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको उसके बाद स्पीड ट्रेन ट्रायल हो जाए बुलेट ट्रेन आने की बात हो जाए ठीक है वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास लास्ट कमेंट सुरेश जी आपसे लास्ट कमेंट चाहता हूँ मैं अभी भी आपको अच्छे नहीं आ रहा ठीक है लास्ट कमेंट लगता है जी चैनल का काम है लोगों ने क्या कहा लोगों की प्रतिक्रिया लोगों तक पहुंचाना हम कोई रिपोर्ट कार्ड या पास पास करने वाले नहीं है पास नापास 5 साल बाद होता है जिसमें मोदी पास हुए कांग्रेस फेल हुई है ये यहाँ पर समझने की जरूरत है हमने तो बस जो पैमाना तय किया था जो कि खुले पैमाने पे वो हमने लोगों के सामने रखा है और उस पैमाने पे ये 3 लोग बैठे हैं और इसमें कोई महाराष्ट्र वगैरह भी कहने की जरूरत नहीं क्योंकि जो वोटिंग हुआ है और जो पैमाने दिए गए हैं वो ओपन है इसमें जो भी बैठता है वो आ सकता था चलिए शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमने तमाम वो चीजें जो जनता के माध्यम से हम तक पहुंची आप तक पहुंचाने की कोशिश की है इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज जय हिंद